सुप्रभात दोस्तों, आज एक फेसबुक पर एक पोस्ट किसी का देखा कि एक महिला क्लास में सो रही थी। लोगों ने बड़ा उपहास और बहुत सारे कटाक्ष उस वीडियो पे करे हुए थे। मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी नींद के पीछे छुपी उस थकान को हम लोगों ने नहीं देखा। क्योंकि हमारे देश में कामकाजी महिलाओं की स्थिति सबसे बुरी है। वो इसलिए कि वो घर के बाहर तो अपना काम करती हैं, और घर में जाने के बाद उन्हें फिर से घर के सभी कामों को करना पड़ता है। अपने लिए वक्त ही नहीं होता इन महिलाओं के पास कि वो 2 घंटे आराम से अपने शरीर को रिचार्ज भी कर सकें। उसकी उस नींद के पीछे वो थकान और वो जिम्मेदारी नहीं हमें दिखाई दी, जिसको निभाने के लिए वो 2 पार्टों में पीसी जाती है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इन कामकाजी महिलाओं को उतनी ही थकान होती है जितनी हमें घर से बाहर काम करके होती है। हम जब घर में जाते हैं तो बिस्तर पर लेट के सिर्फ ऑर्डर बजाते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, और वो बेचारी घर के बाहर भी उसी मेहनत से, उसी शिद्दत से अपना काम करती है। होता है थकान की आगोश में कई बार इंसान सो जाता है। उसकी तकलीफ़ को हमें समझना चाहिए, ना कि वहास उड़ाना चाहिए। और ऐसी कामकाजी महिलाओं को घर में आने पर उनकी तकलीफ़ को दूर करने का हमें कारण ढूंढना चाहिए कि हम किस तरह से इनकी मदद करके इनको भी आराम दे पाएँ और इनका भी मनोबल बढ़ा पाएँ। ये भी हमारे ही तरह इंसान हैं, ये भी हमारे ही तरह घर के वो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, इसकी बदौलत हम सब हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका उपहास मत उड़ाइए। बड़ा दुखद होता है ये सब, जब इस तरह से हम कामकाजी महिलाओं का उपहास उड़ाते हैं, उनकी तकलीफ़ को नहीं समझते। मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देखकर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी कामकाजी महिलाओं को सम्मान देंगे, और उनकी इस तरह की कभी कभी कोई परिस्थितियाँ हो जाती हैं, उनका उपहास ना उड़ाकर उसके पीछे उनकी तकलीफ़ को समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप कामकाजी महिलाओं का सम्मान करेंगे।